असल एहसन भाई कैसे हैं आप है? मैं ठीक है अलहमदुल्ला मैं भी ठीक ठाक तो ये बिल तहकी के प्लेटफॉर्म से हम लोग हाजिर हैं इस वक्त स्कॉटलैंड में आ, तो आइए पूछते हैं जानते हैं एहसन भाई से कि ये किस इलाका में हम लोग मौजूद हैं तो जी एहसन भाई आप बताएं कि इस वक्त हम लोग कहाँ पे है, में है अच्छा अच्छी जगह है जहाँ पे आपको आना चाहिए एंजॉय करना चाहिए ये देखिए भाई को दिखाएंगे कितना प्यारा सीन है यहाँ पे तो ये आ, आप कहाँ से आ रहे हैं इस वक्त मैं लेस्टर से आ रहा हूं लेस्टर कहां पे है लेस्टर इंग्लैंड में है इंग्लैंड इंग्लैंड का इंग्लैंड लेस्टर इंग्लैंड से है लेस्टर तो अच्छा तो ये किस जगह पे है ये स्कॉटलैंड में स्कॉटलैंड में है तो आप कुछ बताना पसंद करेंगे कि आपने किस तरह की मुश्किलात का सामना किया और कैसे जो है वो आप यहाँ पे आए या कैसे ये प्रोग्राम कैसे बना ये मेरे एक फ्रेंड है सर भाई उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया अच्छा तो हम आए तीन चार दिन के लिए यहाँ पे आए अच्छा तो आप लोगों को भी आना चाहिए सबको नहीं कुछ इस तरह से बताना पसंद करेंगे कि मतलब ये जब आप यहाँ पे आना था तो ऐसी कौन सी मुश्किलात थी आपकी जॉब के मसाइल थे स्ट्रेस था क्यों आप आपने क्यों डिसाइड किया कि आपको यहाँ पे आना चाहिए स्ट्रेस तो कुछ भी नहीं था यानी कि एक हॉलीडे करने आया था हाँ तो आना चाहिए ये एक वीक के लिए यहाँ पे हाँ तो, तो, मतलब फिर आपने यही क्यों डिसाइड किया इतनी ज्यादा स्पॉट्स हैं तो और इसके बारे में मैंने बहुत से लोगों से सुना है तो ये बहुत अच्छी जगह है तो सबको आना चाहिए तो आपको यहाँ पे सबसे अच्छी चीज क्या लगी कुछ अपनी फीलिंग्स कुछ जज्बात जो आप एक्सप्रेस करना चाहें नाजरीन को बता सकें सके जगह बहुत प्यारी है ये, ये आप तो ऐसे ऐसा कौन सा फर्क है जो आपने दूसरी जगह विजिट की है उसमें और इसमें यहाँ पे क्या कहते हैं अभी तो हम आए हैं देख रहे हैं तो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा इन शाह हाँ जी नाजरीन ना आप देख सकते हैं ख्वाजा साहब जो है वो इस वक्त मौजूद है लोकनस में और यहाँ पे जो बादल हैं वो बड़ा ही दिलकश नजारा है क्यों ख्वाजा साहब आप कुछ इसके बारे में कुछ मजीद बताना चाहें अभी कोई खाने पीने के हवाले से लोगों को यहाँ पे आते हुए क्या मुश्किल का सामना करना पड़ता है अच्छा कितना टाइम लगा आपको लेस्टर से यहाँ आते तो और कैसे आए आप लेस्टर गाड़ी में आए हैं मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आया हूँ तो लेस्टर से यहाँ पे आते हुए नाइन आवर लगे गए तो... तो आप डायरेक्ट आए या किसी और जगह भी गए नहीं मैं एक दो जगह स्टे किया अच्छा तो उसके बाद ये लोकनेस यहाँ पे हम आए ठीक हो गया तो अगर आपसे पूछा जाए कि आइंदा अगर आपका प्रोग्राम बने तो क्या आप दोबारा यहाँ पे आएंगे जी मैं इंशाल्लाह दोबारा यहाँ पे आऊँगा कितने दिन के लिए यहाँ पे आना चाहिए लोगों को कम से कम एक वीक के लिए लाजमी आना चाहिए ठीक तो ये जिस जगह पे आप मौजूद हैं यहाँ पे ऐसे कौन से स्पॉट्स हैं जिनको विजिट करना चाहिए और किस टाइम करना चाहिए ये थोड़ा सा अर्ली आना चाहिए तो हम देख लें कि अभी थोड़ा लेट भी हो गए हैं तो आप देखें टाइम भी काफ़ी हो गया है तो अभी हमने काफ़ी जगह हो जाना है तो फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आप तो रात को आप अपना वक्त कैसे गुजारेंगे रात को यही कि सारे दिन के थके हुए हैं तो जाके थोड़ा रेस्ट करेंगे ताकि कल के लिए हो देख सके ठीक तो नाज़रीन आप जैसा देख देख रहे हैं सुन रहे हैं खाजा साहब ने काफी एन्जॉय किया इस स्पॉट को ये हमारे साथ ये एक कैमरामैन भी हैं बट्टी साहब जो है ये ऑर्गेनाइजर थे इस ट्रिप के ये साथ ये देखें ये अतीक भाई की भी जो है वो फोटोग्राफी हो रही है और ये वो हाजा साहब ख़ुद मौजूद हैं अच्छा तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी जगह है बड़ी अच्छी जगह है और बड़ा ज़बरदस्त लगा आपसे मिल के इन कल हम लोग स्काय जाएंगे एक नया वीडियो आपका जो है वो इंटरव्यू करेंगे उसको इनशा तल जल्द बिल तहकी के प्लेटफॉर्म पर हम लोग जो है वो अपलोड भी करेंगे इन्शार्ला। और इन श्रा नाजरन को बताएंगे कि ये कैसी जगह और क्यों आना चाहिए यहाँ पर तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त का आपके कीमती वक्त का जजाकल्ला है ओके जी अल्लाह हाफिजी असला